नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में दीपावली की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। इसके पहले मेरे सभी दोस्तों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले चौरंग या पूजा घर, जहाँ भी आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर एक स्वच्छ आसन बिछा देंगे। माता लक्ष्मी का लाल रंग यह बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाल रंग का आसन बिछाया है। अब हम माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति की स्थापना करेंगे। माता लक्ष्मी की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम चावल से स्वास्तिक बनाएंगे। कलश स्थापना के लिए भी अक्षत डालेंगे। कुछ लोग लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित करते हैं और कुछ लोग फोटो की स्थापना करते हैं। मैंने लक्ष्मी माता की फ़ोटो को स्थापित किया है। इस फोटो में गणपति बाप्पा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और कुबेर है। हार अर्पित करेंगे, माँ लक्ष्मी को ओढ़नी चढ़ाएंगे। ओटी का जो भी सामान है वो माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। कलश की स्थापना करेंगे। कलश पर हम कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। कलश में जल डालेंगे। इसके बाद में दूध, दही, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद में पूजा के पान हम कलश में लगा देंगे, श्रीफल चढ़ा देंगे। अगर आपके पास में आम के पत्ते हैं तो आप कलश में आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। अक्षत रखेंगे और दीपक प्रज्वलित करने के लिए दीपक को स्थापित करेंगे। पंचामृत से गणपति बाप्पा का स्नान कराएंगे। इसके बाद में स्वच्छ जल से गणपति बाप्पा को नहलाएंगे और बोलेंगे, एक दंताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। और स्वच्छ कपड़े से बाप्पा को पोछ लेंगे। पूजे के पान पर बाप्पा को विराजेंगे। इसी तरह से सिक्के और सुपारी का भी स्नान कराएंगे। पांच प्रकार की दालों का बहुत महत्व होता है, तो सभी पांच प्रकार की दालों को रखना शुरू करेंगे। घर में जो भी पांच प्रकार के फल है उसे अर्पित कर देंगे। दिवाली के लिए जो भी नाश्ता बनाया है उसे नैवेद्य के रूप में माता लक्ष्मी के सामने रखेंगे। दीपावली पूजन में चिरंजीव, बत्ताशे और धान की लाही का बहुत महत्व होता है, इसका नैवेद्य लगाएंगे। जो भी भोजन बनाया है उसका भोग लगा देंगे। सोने चांदी के आभूषण और नगद राशि रखेंगे।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर ज्योति नमोस्तुते। अर्थात हे दीपक, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन को भी धन संपदा और अच्छे स्वास्थ्य से प्रकाशित करो और जीवन की सभी शत्रु बुद्धि और नकारात्मकता का विनाश करो। धूप अगरबत्ती लगा देंगे। पूजा की स्थापना करने के बाद हम विधिवत हल्दी कुमकुम फूल पुष्प से पूजा करना शुरू करेंगे। सुपारी, गणपति, माँ लक्ष्मी, कुबेर की पूजा हम हल्दी कुमकुम अक्षत से करेंगे। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो कमल का फूल अर्पित करेंगे। घर में जो भी सोने चांदी के आभूषण और नगद राशि है उसकी पूजा करेंगे। जो भी नया झाड़ू खरीद कर लाए हैं उसे भी पूजा घर में रखेंगे और उसकी भी अच्छे से पूजा करेंगे। झाड़ू यह घर के कूड़ा कचरा के साथ साथ घर की नकारात्मकता को भी दूर हटाता है। भोग में जो भी भोजन लगाया है उन सभी पर से पानी घुमा लेंगे। इसके बाद में गणपति बाप्पा माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे और कपूर जलाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, हम सभी पर तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना।